हेलो जी, वेलकम। आई होप आप लोग अच्छी होंगे डियर फ्रेंड्स, और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आई विश अच्छी भी रहे। तो जी, हमने अभी चाय ख़त्म करी है और ये उसका सबूत। तो चाय के साथ हमने सोचा कि चलिए चाय ख़त्म करी है और अब भी बैठी हूँ तो थोड़ी सी बातें शेयर कर दूँ। तो मैं कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ आपको लोगों की ऐसी गलतियों की, और इस सिटी में भी जो होता है अन रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि लोग कैसे मतलब इतने अनकेयरफुल हो सकते हैं। तो जी वही है कि मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप लोग सेफ्टी से हैं, अगला सेफ्टी से नहीं तो बात ले दे कि वो वहीं पर हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो अब हम लोग का पेपर था उस टाइम, तो अमीनाबाद के तरफ से निकले और वहीं की कुछ क्लिप्स जो गाड़ी के अंदर से बनाई हैं वो व्यूज आप देखिएगा और उनसे आपको पता ही लग जाएगा कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लोग निभाते हैं, किस टाइप से हैं। ये सिटी है बल्कि लखनऊ शहर है, और जी वैसे भी अमीनाबाद हमको बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है और उधर हम जाना भी नहीं चाहते ज़्यादा। और वही है, पुराना लखनऊ हुआ, नखास हुआ, ये सब चीज़ें वैसी ही हैं उधर। तो रही ये बात, वो आप समझिएगा। और जी ये दूसरी बात ये है कि आप जब कभी भी कोई मेडिसिन लाएं घर पे तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख के खाइएगा, क्योंकि मेडिसिन कभी भी गलत दे सकता है केमिस्ट। कल मेरी फैमिली में एक लोग को केमिस्ट ने गलत मेडिसिन दे दी और फिर वो तो कहिए उन्होंने खा नहीं ली थी और ना लेने के देने पड़ जाते। और जब केमिस्ट उनको टीथ में प्रॉब्लम थी तो टीथ डेंटिस्ट को दिखा के मेडिसिन ली, और जब मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी तो उन्होंने बोला डेंटिस्ट ने कि जो है ये दवाई तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी थी, कहीं आपने ले तो नहीं ली। तो चलिए जी, हम लोग तो बहुत सोच समझ के, और चूँकि हमारे पापा जी डॉक्टर हैं तो हम लोग तो बहुत ही केयरफुल रहते हैं मेडिसिन के मामले में और सब जानते भी हैं। तो बस यही है कि आप लोग एक्सपायरी डेट देख के ज़रूर दवाई लें, और जो दवाई लिखी डॉक्टर ने उसको कई बार उसको चेक करें, चेकआउट करके ही उसको खाएँ, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं और कभी भी खतरा हो जाता है। और तो फिर ये केमिस्ट, कभी भी कोई डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो वो केमिस्ट जो है अपने मनमर्जी भी दवाइयाँ दे देते हैं, तो इन केमिस्ट के ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। और खाने पीने वाली हम तो कहते हैं हर चीज़ को जो है उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखना चाहिए, वो चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ में ऐसा ही चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ही लोग हरकतें कर रहे हैं। बहुत ही अपने सेहत के प्रति तो खुद भी लापरवाह होते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें करें तो ज़रूर एक बार चेक कर लें और तभी यूज़ करें, खासकर मेडिसिन हुई या खाने की कोई भी चीज़ हुई। हम तो कहते हैं कुछ भी ए टू जेड आप लेके आते हैं वो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, खाने पीने वाली चीज़ें, मेडिसिन हुई, ये सब चीज़ें। तभी जो है आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तब तो ठीक है, वरना तो उनका तो काम है दे देना। और फिर अगर वो वही है कि हम लोग जानते थे तो वो नहीं खाए, अगर मान लीजिए वही मेडिसिन अगर उसने गलती की होती, कोई और मेडिसिन खा लेता तो क्या होता। हो सकता है ऐसा कई बार किसी के साथ हुआ हो, प्रॉब्लम में वो फंसा भी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिस्ट हैं जिनको कुछ आता जाता ही ना हो और वो केमिस्ट बन के बैठ गए हों। तो आप लोग को ही अपने लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। और बस इसी के साथ बस इतनी बातें शेयर करनी थी आपकी सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए, कि ध्यान रखें और इस तरह मतलब कोई भी सामान लेने के पहले उसका ये सब ज़रूर चेक करें, उसकी MRP और एक्सपायरी डेट तभी लें। तो जी बस यही इतनी बातें थी। तो अगर बातें आपको सही लगी हों, रियलिटी यही है, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखते रहिए यूं ही ब्लॉग, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। देखते चलेंगे कितने लोग मास्क लगाए हैं। देखिए बिल्कुल नहीं लगाए हैं। ये है।
अमीनाबाद की गलियों से निकल रहे हैं और देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। लगाए भी हैं तो मुंह के नीचे, जो सामने एक लाल कलर में छुपे। Exactly. Look at them. They're sitting so freely that there's nothing, no pandemic. Look at this person. मास्क लगाने का फायदा क्या है भैया, जब नीचे ही आपको रखना है। Nobody, man. ये देखिए, एक आध हैं 100 में 2-3 जो लगाए हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी इज रोमिंग विदाउट मास्क। लुक एट देम, दैट मैन। सो दिस इज द व्यू ऑफ पुराना लखनऊ, एंड इन दिस सिचुएशन वी आर होपिंग दैट दिस पैंडेमिक pandemic will go soon with this sort of situation. Social distancing.